अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत बीच सपट पर। इसका फासला कराची से तकरीबन कोई लगभग 200 किलोमीटर बनता है और जब आप मकरान कोस्टल हाईवे से कुनमरीर की तरफ सफ़र करते हैं और कुनमरीर से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर पहले चंद्रगुप्त मड वल्केनो की तरफ एक रास्ता उल्टे हाथ पर टर्न करता है, आप उसी रास्ते से अंदर आते हैं और चंद्रगुप्त मड वल्केनो क्रॉस करने के बाद लगभग कोई 15 किलोमीटर के बाद ये खूबसूरत बीच आता है। आज मौसम काफ़ी ख़राब है और धुंध की वजह से मैं आपको शायद दिखा ना पाऊँ, बहरहाल किस्मत। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी धुंध है और मैं एक पहाड़ पर मौजूद हूँ। पहाड़ तो नहीं, छोटी सी चट्टान नुमा पहाड़ी सी है और इसके नीचे आप देख सकते हैं शायद अगर आपको नज़र आ रहा हो, और इसके नीचे एक बहुत वसी सहरा है। सहरा के बाद एक किलोमीटर का ये सहरा है और सहरा के बाद एक बहुत ही खूबसूरत बीच है जिसे सपट बीच कहते हैं। सपट बीच इस वजह से कहते हैं कि इसके साथ एक गांव है छोटा सा सपट नाम से, जिसकी वजह से इस बीच का नाम सपट रखा गया। अब मैं खड़ा हुआ हूँ ये डेज़र्ट के ऊपर। डेज़र्ट से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का ये डेज़र्ट है और 1 किलोमीटर के बाद इस डेज़र्ट पे बहुत ही खूबसूरत बीच है। और ये मेरे पीछे एक छोटी सी पहाड़ी नुमा चट्टान थी जिससे उतर कर ये आप डेज़र्ट पे आएंगे और डेज़र्ट को क्रॉस करने के बाद आप बीच तक। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ किधर किधर किधर? ये देखो सही भाई, यार एक काम कर ली, डंडी लेकर आ। इसके करीब मत आना है, मुझे तो ये जहर वाला लग रहा है। करीब नहीं आना। बेहतर जा रहा है। कैमरा पकड़। यार इस डंडी से क्या होगा, कोई मजबूत ही डंडी है यार ये। फिर अली भाई ये कौन? करीब कर कैमरा। ये पाइथन, रॉक पाइथन लग रहा है। पैटर्न इसका जैसल वाइपर की तरह है, मगर लग तो पाइथन टाइप का है। और इसमें मुझे खाली सर देखना है। सही भी ज़्यादा करीब नहीं। एक मिनट, इसका जो एक दूर से देखना है। अरे नहीं, ये टेंट हुआ है, ये इसमें जहर नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत सांप है ये, मतलब ये रेत में रहते हैं। वो देख, रेत के अंदर से जा रहा है इनका। अब मैं कोशिश करके इसको बाहर निकालता हूँ। नहीं, इसमें जहर नहीं है मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो, बिल्कुल रेत के अंदर घुस रहा था, रेत में ही होता है। बिल था इसका। हाँ, सईद भाई देख के। हाँ, नहीं यार इसमें जहर नहीं है, क्योंकि देख सांप का पता चलता है आइस से, इसकी आइस से देख ले। ये सेंट बॉय, ये डेजर्ट का सांप है। बहरहाल इसका जो पैटर्न है, पैटर्न बिल्कुल इसका जैसे रसल वाइपर का होगा या फिर आपका इंडियन रॉक पैथन है, या रॉक जो पैथन होता है वैसा है। बहरहाल ये सेंट बॉय, ये ज़्यादातर ये सेंट वगैरह में ही होता है। बहरहाल ये है कि मतलब मैं एक ये पैगाम दे दूँ जो देख रहे हैं कि मतलब आप जब भी इस किस्म की कोई चीज़ देखें तो काइंडली उसे मारिए मत और उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए जब तक आपको उसकी बाकायदा नॉलेज ना हो, क्योंकि सांप की पहचान एक तो उसकी दुम से होती है जिससे पता चलता है वो जहरीला है या नहीं, फिर इसकी आइस से होती है या फिर इसके सर के शेप से होती है। ये एक बहुत ही प्यारा सा सांप है और इसमें जहर नहीं होती। पाकिस्तान में तकरीबन 4 किस्म के स्नैक्स हैं जिनमें जहर होती है, जिसमें आपका रेसल वाइपर हो गया, कॉमन कैरेट हो गया, इसके अलावा आपका कोबरा हो गया, और एक और मेरे जहन में भी है नहीं। बहरहाल आपको ये साथ में बताता चलूँ कि दुनिया में तकरीबन 85% जो सांप हैं वो गैर जहरीले होते हैं और सिर्फ 15% ऐसे सांप हैं जिनमें जहर होता है। बहरहाल आवाम को नॉलेज ना होने की वजह से आवाम बेचारी ने मार देती है, हालांकि ये कितनी खूबसूरत स्पीसीज़ है। तो चलें इसको इसके कुदरती माहौल में और इसके अपने घर में इसको आज़ाद कर देते हैं।
ये सपट बीच पर और बहुत खूबसूरत बीच है, नीट एंड क्लीन। ये मेरी मुख्तसर सी वीडियो थी सपट बीच पर, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आपसे चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो, और अगर इसमें कोई खामी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट करें और मेंशन करें ताकि मैं इससे सीख सकूं, क्योंकि बेसिकली मैं एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हूँ और व्लॉगिंग से मेरा कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ है नहीं। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है, तो इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, हर वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जा सकूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।